अभी जनता कोरोना की महामारी से बाहर भी नहीं निकली कि अब हिमाचल के ज्वाली में एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, पिछले एक सप्ताह से ज्वाली में पीलिया बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। अकेले ज्वाली में अब तक 10 लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों से पानी की सैंपल भी लिए जा रहे हैं, जिनकी शुरुआती जांच में नेगेटिव रिपोर्ट आई है। ज्वाली के SMO डॉक्टर संजीव कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए लोगों से पानी उबालकर पीने की अपील की है। एक हफ्ते में हमारे पास तकरीबन 10 के आसपास पीलिया के मरीज आए हैं, जिनमें से मतलब डिफरेंट लोकेलिटीज के भी हैं। कोई 6 to 7 पेशेंट हमारे ढन रोड वाली साइड हैं, बाकी दूर दूर एरिया के हैं, खरोटा का है, मतलाहड़ का है। तो एज सच क्लस्टरिंग तो हमें अभी कहीं मिली नहीं है, बट प्रिकॉशनरी हमने SDM साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी बता दिया गया है, और IPH XCM साहब को भी बता दिया गया है। और वाटर सैंपल हमने जो प्रिलिमिनरी लिए थे तो वो तो नेगेटिव हैं, उनमें मतलब कॉलीफॉर्म्स नहीं है। यूजली कॉलीफॉर्म्स जो है वो हमारा बताते हैं कि पानी हमारा दूषित है कि नहीं, तो वो रिपोर्ट तो नेगेटिव है। तो सर पर्टिकुलर ज्वाली में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने पेशेंट हैं? ज्वाली के तकरीबन पिछले एक हफ्ते में 10 मरीज आ गए हैं, जिनमें से एक एक्सपायर भी हो गया है। उसका काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसको टांडा के लिए रेफर किया था, टांडा के लिए फिर वो टांडा से वो यहाँ लुधियाना गया DMC, तो वहाँ एकदम से उसको एक्यूट लेवल के लिए हुआ और वो एक्सपायर हो गया। सर आप इस मौके पर क्या कहेंगे लोगों को पीलिया के? पीलिया के लिए मेरा सबसे यही दरख्वास्त है कि हमने क्लीन प्रैक्टिस करनी है। जो खाना बनाने वाला है वो प्रॉपरली अपने हैंड वॉश करे, सैनिटेशन प्रॉपर रखे, और जब भी आपने खाना खाना है तो हाथ अच्छे से धोने हैं साबुन से 1 मिनट तक। उसके अलावा दूसरा आप ये कर सकते हो कि जो पानी पी रहे हैं आप, उसको आप अच्छे से रोलिंग बॉयल करें फॉर 1 to 3 मिनट। इतने में पीलिया का जो भी कीटाणु है वो मर जाता है, तो वो वाटर फिर हम रेफ्रिजरेट करके अपना आराम से पी सकते हैं। दूसरा मतलब अभी फ़िलहाल कच्ची सब्जी ये सब खाने से परहेज़ करें, सब्जी या दाल जो भी बनाना है प्रॉपरली कुक करके बनाएं और साफ़ पानी यूज़ करें। और ये भी अपनी सराउंडिंग का भी ध्यान रखो, अगर कहीं कोई सीवेज तो नहीं लीक हो रहा है, या आपका सेप्टिक टैंक या आपकी वाटर सप्लाई से तो नहीं मिक्स हो रहा है, तो ये एक कॉमन कारण होते हैं। क्योंकि पीलिए का जो मोस्टली रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो फिकोरली होता है, जब हमारा पानी या खाना दूषित हो जाता है। ये प्रिकॉशंस हमें साथ में लेने होंगे। एक और पहले से ही कोरोना वायरस के चलते खौफ में जी रही लोगों के लिए अब पीलिया किसी कहर से कम नहीं है, खास तौर पर जब एक मरीज की इसके चलते मौत हो गई। ऐसे में अब हर इस बीमारी को लेकर चौकन्ना हो गया है। देखना होगा कि देवभूमि की चिकित्सक आखिर कब तक इस बीमारी पर काबू पाने में सफल हो पाते हैं। भारत 9 के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।